हेलो एवरीवन, आई एम आंचल पाठक, वेलकम टू 5 पैसा। आइए देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 5 पैसा YouTube चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को अराउंड 18,000 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 18,350 रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी को अराउंड 42,500 का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं 43,300 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी के साथ आज फिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी डे है, तो आज के दिन ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। पहला सपोर्ट है 18,832, दूसरा सपोर्ट है 18,778, पहला रेजिस्टेंस है 19,020, दूसरा रेजिस्टेंस है 19,135। आइए देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे। कैश डिलीवरी होल्डिंग पीरियड 7 से 10 दिन का है। सबसे पहले है मैक्स हेल्थ, यहाँ पुल बैक एक्सपेक्टेड है, बाय 443, स्टॉप लॉस 425, टारगेट 1 462, टारगेट 2 480। फिर है अजंता फार्मा, यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है, बाय 1197, स्टॉप लॉस 1149, टारगेट 1 1245 और टारगेट 2 1293। HCL Tech ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, बाय 1122, स्टॉप लॉस 1080, टारगेट 1 1165 एंड टारगेट 2 1205। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, राइजिंग वॉल्यूम, बाय 250, स्टॉप लॉस 240, टारगेट 1 260 एंड टारगेट 2 270। उसके बाद आता है AU बैंक, यहाँ वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय 642, स्टॉप लॉस 612, टारगेट 1 672 और टारगेट 2 705। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड की थी। बंधन बैंक वेंट अप 3.36%, फर्स्ट टारगेट डन। गेल वेंट अप 3%, फर्स्ट टारगेट डन। अब नजर डालते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर। इसमें है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, KEI इंडस्ट्रीज और त्रिवेणी टर्बाइन्स। सबसे पहले शुरू करते हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और क्वार्टर 3 रेवेन्यू बढ़ा है 3.6% से YOY एट ₹1,988.4 करोड़। EBITDA 14.1% से बढ़ा है YOY एट ₹426.4 करोड़। प्रॉफिट अप 3.5% YOY एट ₹296.5 करोड़ और मार्जिन 21.4% है वर्सेस 19.5% YOY। फिर है KEI इंडस्ट्रीज, कंपनी का क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट 27.1% से बढ़ा है YOY एट ₹128.6 करोड़। रेवेन्यू 14.1% से बढ़ा है YOY एट ₹1,784.3 करोड़। एबिद्दा अप 16.2% YOY एट ₹182.1 करोड़ एंड मार्जिन एट 10.2% वर्सेज 10% YOY। अब बात करते हैं त्रिवेणी टर्बाइन्स के बारे में। क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट अप 47.4% YOY एट ₹52.6 करोड़। रेवेन्यू अप 44.7% YOY एट ₹325.8 करोड़। एबिता अप 40.1% YOY एट ₹63.1 करोड़ एंड मार्जिन एट 19.4% वर्सेज 20% YOY। गाइज, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए 5 पैसा को जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें।